पुनः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम कलयुग में देख रहे हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं और अपनी अपनी ओर से सभी लोग देवताओं की अभ्यर्थना या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या गुरु के बिना यह साध्य है? गुरु के बिना हम किसी देवता को प्रत्यक्ष कर सकते हैं? और गुरु के बिना अगर नहीं कर सकते तो क्या हम गुरु के प्रति समर्पित हैं? गुरु को प्रसन्न करने की शक्ति हमारे में है, और जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होते तब तक देवता भी प्रसन्न नहीं होते, ऐसा शास्त्र कहता है। और इस गुरु प्रसन्नता के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने जो भावना जागृत की और जिस सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की, उसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि फिर इस भारत में गुरुकुल परंपरा आरंभ हो, शिष्य गुरु के प्रति समर्पित हो और गुरु योग्य होकर शिष्य को मार्गदर्शन करे। लेकिन इतना सब होने पर भी कलयुग के अनुसार अपने आप को तो बहुत लोग शिष्य कहते हैं, समर्पण के भाव में गुरु को खरीदने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, ऐसे भी गुरु हैं। आज धर्म बेचा जा रहा है, भगवान बेचा जा रहा है, दीक्षा बेची जा रही है और खरीदने वाले भी बहुत सारे। गुरु भी ऐसे हैं कि मो दो मैं ये दूंगा, व्यापार हो गया। लेकिन एक ज़माना था जहाँ शिष्य वो राजकुमार भी क्यों नहीं होता, राजा का बेटा भी क्यों नहीं होता, गुरुकुल जाता था तो अपने सब कुछ छोड़कर केवल लंगोट पहनकर सर के बालों को मूंड कर गुरु के घर में जाकर पानी ढोता था, गुरु को जंगल से जाकर लकड़ी ला कर देता था, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो या पांडव के धर्मराज आदि हो, वो राजकुमार थे। लेकिन जब गुरुकुल में जाते थे उनका कर्तव्य शिष्य के प्रति ये था कि वो समर्पण भावना के साथ रहते थे। आज वो समर्पण भावना नहीं रही। गुरु भी ऐसे हैं, पैसे लेते हैं तुम्हारा काम कर दूंगा बोलते हैं, और शिष्य भी ऐसे हैं, गुरु जी आप बोलो मैं आप मेरा काम करना है, आप कितने पैसे चाहिए आप ले लो लेकिन मेरा काम करो। क्या वो काम गुरु करें या ना करें, पहले गुरु अपने आप को प्रश्न कर लिया, उसके बाद शिष्य अपने आप को प्रश्न कर लिया कि मैं गुरु को बोल रहा हूँ, गुरु की आज्ञा का पालन कहाँ तक कर रहा हूँ। यही घटना जीवन में गुरु और शिष्य परंपरा में क्या करना चाहिए और गुरु शिष्य परंपरा में गुरु और शिष्य किस तरह रहने चाहिए, यह पहले ज्ञान हमारे में आना चाहिए कि हमारा गुरु के साथ संबंध किस प्रकार रखना चाहिए और गुरु शिष्य के साथ संबंध किस प्रकार रखना चाहिए। मैंने बहुत बार भी समझाया, मैं भी आपकी तरह का ही शिष्य था, गुरु के पास गया तो इसी उद्देश्य से गया कि कोई मेरी मन की इच्छा थी वो पूर्ण होने के लिए गया। गुरु जी के पास गया, गुरु जी ने दीक्षा ली, पैसे जो कुछ भी हुआ सब कुछ हुआ, गुरु जी ने कहा तेरा काम हो जाएगा, लेकिन 2-3 साल तक काम नहीं हुआ, बहुत अपमानित हुआ। लेकिन मन में कहीं कचोट आई कि एक सामर्थ्यवान गुरु के पास मैं बैठा हुआ हूँ, अगर वो मेरा अपमान कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा, मैं उनको नहीं समझ सक रहा हूँ। और जिस दिन मैंने ये बात करते हुए गुरु के चरणों में समर्पित होते हुए कहा कि गुरु जी ये असमर्थ जीवन है, मैं आपके चरणों में शिष्य बनकर बैठा हूँ, हो सकता है बहुत अपमान भी सहन किया हूँ। मैंने आपको इससे पहले भी बताया, मैं गुरु जी को पहली बार मिलने इसलिए गया था कि मैं डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा पास हो गया था और उसमें और रिजल्ट आना था, कोर्ट में केस चले गया था, बाद में किसी कारणवश वो ऐसा ही कोर्स केस पेंडिंग हुआ, SC ST को रिजर्वेशन हो गया और वो नहीं आया। लेकिन गुरु जी ने ये कहा था कि तू डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा और नहीं हुआ। लेकिन मैं गुरु जी के विश्वास पर मैंने जब बाहर की ही बात, बहुत अपमान सहना पड़ा, मेरे माता पिता, मेरे प्रभुजन गुरुजन, सभी लोग दोस्त वगैरह सभी लोग, लेकिन उस अपमान को सहन करते हुए मुझे बाहर आने की भी मेरी इच्छा नहीं हुई। लेकिन मैं बाद में साधना करते हुए एक ही बात कहा कि क्या ये गुरु जी की कोई मेरे लिए परीक्षा होगी, और मैंने परीक्षा उस परीक्षा में रहकर आगे बढ़ते गया, गुरु जी की सेवा करता। बहुत दिनों के बाद जब गुरु जी ने केवल 7 साल मेरी परीक्षा दी थी और 7 साल के बाद गुरु जी ने पूछा, जोशी तो मेरे पास किस लिए आया था, पहली बार कैसे आया था, अब मैं क्या बताऊँ गुरु जी को कि मैं किस लिए आया था और मेरा क्या काम था। मैंने कहा गुरु जी इसके लिए आया था और आपने मुझे हवन करते हुए पुण्यावचन करते हुए बहुत बड़ा कार्य जोधपुर में करवाया था, लेकिन वो कार्य किस कार्य के लिए आया था फिर पूछे। मतलब गुरु जी परीक्षा दिया था, उस परीक्षा में पास हो गया था लेकिन रिजल्ट आना था नहीं है, उससे क्या होता था, गुरु जी का दूसरा प्रश्न था। मेरा एक डिवीजन का कलेक्टर होता था, अच्छा अच्छी तरह रहता था और एक खुदा एक अधिकार में रहता था, माता पिता जी की भी इच्छा थी, दोस्तों में भी एक शान रहती थी, गुरु जी अगर डिप्टी कलेक्टर होता था। ओहो शान के लिए था? मैंने ऐसा नहीं कि शान के लिए नहीं, गुरु जी यूँ ही मेरा कहना था कि एक अच्छा आदमी पढ़ा लिखा हो तो किसी को भी रहता है कि बेटा ऐसा हो। गुरु जी देखे और बाद में फिर उस बात को पलट दिया, दूसरे किसी काम में चले गए, हो गया बात, आई गई बात हो गई। फिर बाद में साधनाओं में लग गया,
सात साल बहुत सारी हो गई। फिर बाद में एक दिन शिविर में बैठा हुआ था काम, तो जोशी इधर आ बोली, आप मैं तुझे एक साधना बोलते हुए एक शिविर का कार्यक्रम करो। एक आदमी जो पूरी तरीके से हार गया हो, शिविर कहने के बाद भी शिविर करने के लिए जब गुरु जी ने उद्देश किया, मैं उस बात को भूल गया, फिर नौकरी में गया, फिर नौकरी करते रहा आगे हुआ। जब नौकरी हुई, नौकरी में करते रहा आगे गया, काम करते रहा और साधना शिविर हुआ 1 2 3 4 5। गुरु जी एक दिन बुलाए, जोशी तू क्या कह रहा था? मैंने कहा कुछ नहीं गुरु जी, तू किसी डिवीजन का कलेक्टर होने का जाना, कलेक्टर में क्या करते थे, नौकरी पैसा ज़्यादा मुश्किल था, अधिकार से ही। आज तुझे मैं जो करना चाहता हूँ तुझे वचन दिया हूँ, तुझे संसार का कलेक्टर से भी ज़्यादा बनाऊंगा। और उस दिन आज मेरे पास कलेक्टर भी आते हैं, मिनिस्टर भी आते हैं, एमएलए भी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। वो शान थी कि किसी डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर के पास जाते तो हाथ खड़े करके करना पड़ता है, आज मेरे गुरु जी से उसे मुक्त कर दिए लोग, वो लोग मुझे मेरे पास आकर हाथ खड़े करके देते हैं। वो दिन से मैं तो उनकी महिमा या उनके उस मान को, उसके अस्तित्व को अगर मैं उस नहीं जानता, और एक ही बात कहकर उस दिन से रहेगा, गुरु जी इस शरीर को मैंने आपको सौंप दिया है, जो भी करना है इसको करो, मान और अपमान आपके हाथ में, जो भी करना है आप मेरे लिए करेंगे। मेरी इच्छा शायद गलत हो सकती है, लेकिन आपकी इच्छा कभी गलत नहीं हो सकती है, आपका आशीर्वाद गलत नहीं हो सकता। और आज उस चीज से ही यहाँ खड़ा हूँ। हमारे में उस शिष्य भावना, वैसे तो गुरु जी के लाखों हाथ, लाखों करोड़ों शिष्य हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 60-70 शक्तिपात दीक्षाएं अपने जीवन में गुरु जी के पास रहे, गुरु जी के पास जीवन गुजारा, लेकिन आज वो इस स्थिति को भी प्राप्त नहीं कर सके, आज इस स्थिति को नहीं आ सके, गुरु जी के सान्निध्य में रहे, गुरु जी के साथ शक्तिपात दीक्षाएं दी। मेरे पास कल परसों दिल्ली से फोन आया था, यूपी से फोन आया, तो उसने कहा कि जोशी जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं 70 शक्तिपात दीक्षाएं लिया हूँ और कम से कम मैंने कुछ नहीं तो 16 से 17 लाख रुपये खर्च किए, और मैं जहाँ का हूँ, लेकिन आज जब मैं आपका नाम सुनता हूँ मुझे लगता है कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। मैं भी गुरु जी के साथ था, मैंने बोला गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई कि हम गुरु की निंदा करते हैं, हमारा काम नहीं हुआ तो गुरु को कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन यह बात कि तुम गुरु पर एक बार तुम्हारे अपने आप को छोड़कर तो देखो, गुरु जी तुम्हें स्वर्ण में वो उस चीज़ बनाएगा, तुम्हें तराशेगा, एक तुम सोना हो लेकिन ऐसा सोने का मुद्दा हो, लेकिन उसको जब तक गर्म करके तपाया नहीं जाता, उसको एक आकार नहीं दिया जाता, तब तक तुम देवता का मुकुट क्रीट नहीं बन सकते। और वो जब तपाता है गुरु तो तब तक तुम्हें उसे सहन करना होगा। तुम तपाते समय अगर हार गए और चले गए तो तुम मुद्दा के मुद्दा में तुम सोना भी हो तो वैसा ही एक गोठड़ी बन के रह जाओ, लेकिन जब वो तराशता है तो उसको सहन करोगे और कहोगे कि तुम्हारे तराशने में बैठा हूँ तो तुम जरूर देवता के मुकुटकार में बनकर रह सकोगे। ये गुरु के प्रति अपना समर्पण का एक विधान है, गुरु के प्रति अपने रहने का एक विधान है कि हम गुरु को कहाँ तक समर्पित है। गुरु देखता है कि तू मेरा है, केवल गुरु तुमसे चाहता है कि ये मेरा है या नहीं, क्या मेरे से भी कोई अच्छा गुरु मिला या देवता मिला तो मुझे छोड़ के जाता है। तो ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर भी क्या फायदा, मैं ऐसे को मेरे पास भी लूँ क्या फायदा। इसलिए गुरु जी बड़े बड़े लोग करोड़ोपति आते थे गुरु जी के पास। मुझे पता है ये जितने एक्टर हेम धर्मेंद्र हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन रामविलास पासवान ऐसे भी गुरु जी के पास आए, मैं उसी समय वहाँ खड़ा था और गुरु जी ने मेरे सामने उनको कहता अरे उनको बोल दो गुरु जी बिजी हैं कुछ लिख रहे हैं बाद में आओ ऐसा बोल दो, और मैं नीचे आके खड़े रहा। और गुरु जी ने उन लोगों ने कहा दिलीप जो भी गुरु जी के शिष्य वहाँ के कहते थे कि 7 दिन से गुरु जी किसी को भी नहीं मिल रहे, तो जोशी जी तुम्हें जाना, अभी अमिताभ बच्चन का फोन आया था रामविलास पासवान गुरु जी ने कहा है जोशी आप भी चले जाओ ऐसा बोले। और मैं बोला ठीक है, गुरु पादुकाओं को नमस्कार किया और जाने लगा। तो उतने ऊपर से फोन आया कौन आए गुरु जी जोशी हैदराबाद से जोशी आए उसको ठहर कर मैं आ रहा हूँ नीचे। 7 दिन के बाद नीचे उतरे गुरु जी, वो लोग भी आश्चर्यचकित रह गए मैं भी लगी। जब मैं अंदर गुरु से बात करने गया बोले जोशी ये सारे साधक मैं नहीं, माई गुरु नहीं तो मेरे को 1 लाख रुपये में खरीदेंगे, दूसरे को 10 लाख रुपये खरीदेंगे, उसका काम तो हो जाएगा, उसके पास पैसा है, तेरे पास क्या है, तेरे पास जो श्रद्धा है विश्वास है मैं उसके ऊपर जीता हूँ, ये लोग मेरे को कुछ आज 10 लाख देके भूल जाएंगे, गुरु जी को अरे श्रीमान जी को 10 लाख रुपए दिया था मेरा काम कर दिए भूलेंगे, लेकिन तू जीवन के अंतिम क्षण तक मुझे याद रखेगा और मैं तेरे लिए जीता हूँ, उनके लिए नहीं, उस समर्पण के लिए मैं तेरे लिए जीता हूँ। और आज उनके उस सपने को अगर मैं साकार नहीं कर सका तो मैं शिष्य नहीं और मैं शिष्य कहने के लायक भी नहीं। उस दिन से आज तक भी मैं गुरु के प्रति एक ही कहता हूँ। आज भी मैं मेरी पत्नी से बात करते हुए कहा था कि कभी गुरु जी के सामने कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती, जो तुम्हारी इच्छा है तुम कर देना गुरु जी, बस सहने की शक्ति देना कि उसको मैं सहन करते हुए रहूं। और आज आपके सामने जैसी भी शक्ति हो आप दो,
आपकी बातें मैं करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम पूछते हैं तो आंवला और सुपारी पूछते हैं, वो नारियल देने के लिए तैयार है, वो पहाड़ देने के लिए तैयार है, हम पत्थर पूछते हैं उनसे, वो हीरा देने के लिए तैयार है, हम पत्थर पूछते हैं। जब तक ये समर्पण अपने भाव में नहीं आता तब तक हमारे से नहीं होता। यही एक बार की बात है कि परशुराम जी जब जमदग्नि महामुनि के पुत्र के रूप में, चौथे पुत्र के रूप में अवतरित हुए, तो जमदग्नि महामुनि ने कहा कि बेटा तुम इसी, परशुराम जी कहते थे कि पिताजी मैं असमर्थ नहीं जीना चाहता, मुझे असमर्थता नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा असमर्थ नहीं तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, योग्य गुरु को ढूंढना चाहिए। पहले तो उसने अपने पिता को ही गुरु मानकर चल रहे थे परशुराम जी, अपने गुरु को ही पुत्र मानकर गुरु मानकर चल रहे थे। तो जमदग्नि ने कहा मैं कहीं कम पढ़ रहा हूँ, मैं तुझे उतनी विद्या नहीं दे सकता, चार भी पुत्र थे, लेकिन पहली परीक्षा जमदग्नि महामुनि ने अपने चारों पुत्रों के लिए क्या ली देखिए, जब उनकी माँ रोज एक मिट्टी के घड़े में तभी का तब रेती से घड़ा बनाती थी, रेती में रेणु से घड़ा बनाती थी, उसमें पानी भरकर लाती थी और उसके साथ अभिषेक और पानी पिया करते थे जमदग्नि महामुनि। आपको तो पता है रेत इसका तो कुंडा का दो, लेकिन उन्होंने इसका से कुंडा बनाती थी क्योंकि उसको पतिव्रता थी, रेणुका प्रतिव्रता, रेणुका अर्थ होता है रेणु यानी कणा, इसका कणाल तो कुंड चेस्ती दाँटलो नील निपुण, हाँ नीले तावतुंड है गुरु जमदग्नि महामुनि, उसी का पानी रेणु के पानी से बनाया हुआ उसमें पानी पिया करते थे और वो पानी लेकर आया करते थे। एक दिन की बात हुई, क्या हुआ, जहाँ ये नदी पर जाकर पानी लाने गई वहाँ एक गंधर्व और गंधर्व की एक प्रेयसी, वो दोनों प्रेम करके बैठे थे और एक मिनट के लिए रेणुका का लक्ष्य उनके ऊपर गया, रेणुका का लक्ष्य उनके ऊपर गया तो थोड़ी एक मिनट के लिए बुद्धि चंचल हो गई, चंचल हो गई तो कितना करने गई वो, फिर वो घड़ा नहीं बना, रेणु का घड़ा बना ही नहीं, रेणु का घड़ा बना नहीं तो जमदग्नि महामुनि को प्यास लगी कि बोले पत्नी इतनी देर हो गई आई क्यों नहीं, बहुत देर हो गई आई क्यों नहीं। उन्होंने आंख मूंद कर देखा तो उन्होंने देखा कि चंचल हो गई है और वो घड़ा नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, वो मेरी पत्नी नहीं होती, चारों पुत्रों को बुलाया, आओ जाके तुम्हारे माता को खत्म करके आओ, बाद में मैं बात करता हूँ, उसका मन चंचल हो गया है, वो अब मेरी पत्नी नहीं रही। ऐसे थे वो उस जमाने के ऋषि। पहला पुत्र का क्या बाप है तू, माँ को मारने के लिए बोलता, थोड़ा चंचल हो गया होगा क्या है उसमें, मारने के लिए बताता क्या, बड़ा बेटा गालियाँ दे दिया। पिता दूसरे बेटे को पूछा, अरे कोई माँ को मारते हैं क्या इस संसार में, माँ पूजनीय होती, तू जितना पूजनीय वो भी पूजनीय है। तीसरे बेटा को बुलाया, वो बाद में आया परशुराम, बोले बेटा मैं तेरे से कह रहा हूँ कि तेरी माँ को तू अभी खत्म करके उसका धड़ सर मेरे पास लेके आना, बाद में मैं बात करता हूँ। गुरु जी पिताजी चला बुला गया। जब ये पता चला कि परशुराम माँ को मारने के लिए आ रहे हैं, माँ भागते हुए गई और एक गाँव के बाहर जाके छुपी रही जहाँ एक दंपति रहा करते थे। परशुराम को पता चला कि वहाँ गए, उन्होंने बोले कहाँ है माँ, तलवार उठाए गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ मेरे पास हमारे पास झोपड़ी में बैठी हुई है। तो बोले तुम मेरी माँ को दे दो, मैं उसका धड़ लेके जाना है, उसका सर काट के ले जाना है। अरे क्या दीवाना है, पुत्र है कोई राक्षस है तू, ऐसा बहुत बातें परशुराम जी के पति की। उन्होंने कहा मैं सुनने के लिए तैयार नहीं, जमदग्नि पिता ही नहीं मेरे गुरु है और गुरु की आज्ञा हो गई, मैं सर काट के ही जाऊँगा, खत्म, बाद में बात, क्या होना है, पाप पुण्य क्या है, माँ का गला काटना चाहिए नहीं काटना, मुझे उसके साथ कुछ लेना देना नहीं, मेरे गुरु ने कहा है गला काट के ला, मैं गला काट के लिए जा रहा हूँ, काटूंगा ही काटूंगा, हमारे हैं हमारे को काट के जाना, मैं उसके लिए भी संकोच नहीं करता। एक मिनट में दोनों को काट के फेंक दिया और रेला माँ को, माँ का सर काटा और सर काट के लेके आया पिता के पास, बोला पिता और ये गुरु ये देखो माता का सर लेके आया, बहुत प्रसन्न हो गई जमदग्नि, अब तू जो कुछ वर मैं देने के लिए तैयार। साष्टांग नमस्कार पिताजी के चरणों में कर दिए, बोले मेरी माँ को मेरे को लौटा दो। उन्होंने एक मिनट में कहा पुत्र हो तो ऐसा, तेरे को एक बात है, तो पिताजी ने कहा तुझे पता नहीं कि मैं गुस्से वाला हूँ और मैंने तुझे तेरी माता को काटने के लिए कहा है, मुझे पता है मेरे पिता और मेरे गुरु की रक्षा करो, जिसको काटने की शक्ति, काट बोलने की शक्ति है उसको जिंदा करने की शक्ति है तेरे पास है, ये मैं जानकर ही काटने के लिए गया, मेरे गुरु के पास यह शक्ति है, जो काट कहता है तो जुड़ेगा जरूर, ये मेरे तीनों भाइयों के लिए नहीं था। और वो गया और जमदग्नि महामुनि ने उनको एक रस दे दिया और कहा कि ये लगा दो, बाद में लगे ये बहुत गड़बड़ी में जाकर वो दोनों दंपति के धड़ को, स्त्री के धड़ को रेणुका माता का सर लगा दिया और उस जिसके धड़ को रेणुका माता का, उस माता का सर लगा देने से अलग अलग हो गए और पुरुष का धड़ पुरुष लगा दिया। लेकिन जब आए तो जमदग्नि महामुनि देखकर आश्चर्य से बोले अरे ये क्या कर दिया, तेरे माता को उस
कुलनी के धड़ को लगा दिया तो फिर पिताजी अब कैसे लगा दिया? बोले अब से तेरे माता का सर ही पूजनीय होगा। और आप देखते हैं रेणुका माता का सर की ही पूजा करते हैं, धड़ की पूजा नहीं करते। और धड़ की पूजा करने के लिए आज उसको शक्तिपीठ के लिए हमारे पास महबूब नगर के पास एक जोगुलम्मा का नाम स्थान है, वहाँ केवल इस चीज़ की माता के इस नीचे की चीज़ की पूजा होती है और ऊपर धड़ अलग है, उसका सर अलग है, वो बात वो कहानी अलग है। तो मैं यहाँ क्या कह रहा था आपको कि गुरु के प्रति जमदग्नि महामुनि के प्रति वो इतने निष्ठावान थे प्रशांत, और उन्होंने जब काट कर आए और दे दिया अपनी माता को जिंदा किया, तब तीसरा वर्ग क्या पूछते माता कि हे जमदग्नि महामुनि, आज जो आपने गुस्सा किया है वो मेरे माता पर कभी नहीं करोगे, और मेरी माता को एक कलंक नहाया जाए कि परशुराम ने माता का गला काटा है, और मेरी माता तुम्हारे और मेरे से भी पूजनीय होगी, आशीर्वाद दो। आज रेणुका माता का जितने मंदिर संसार में है ग्राम देवता के रूप में, उतने कहीं जमदग्नि महामुनि के भी नहीं दिखेंगे ना परशुराम के दिखेंगे। वो वर मांगा था और अपनी माता को उतनी श्रेष्ठता प्रदान करने वाले थे परशुराम जी। ये गुरु के प्रति निष्ठा होती है, ये गुरु के प्रति एक समर्पण होता है, और गुरु चाहता है कि तू समर्पित है या नहीं। तो जब समर्पित हो गया, उसको विश्वास हो गया, तो वो आपको तेरे हाथ से पाप की हुई पाप कभी नहीं करवाता। वैसे देखा जाए तो माता को सर काटना पाप है, महान पाप है, लेकिन वो गुरु की आज्ञा थी, उन्होंने किया, और वो बाद में उसके लिए श्रेष्ठता के साथ जिए। जब परशुराम आए जमदग्नि महामुनि के पास बैठे, तो जमदग्नि महामुनि ने कहा परशुराम मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन फिर ये और भी कुछ सीखना है। तो एक दिन पिताजी के पास बैठे बैठे जब परशुराम जी ने कहा पिताजी मुझे संसार में ऐसा व्यक्तित्व बताओ, ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि मैं ये संसार में मुझे देखता रहे और कहे कि इसने संसार में लोक कल्याण किया है। तो जमदग्नि महामुनि ने कहा ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो उन्हें बोले तू अपने आप को शिव के हाल समझे, क्योंकि शिव जी मेरे गुरु है, तो उनके पास जा और मैं आज्ञा देता हूँ कि तू शिव जी को गुरु बना। परशुराम जी शिव जी के पास गए और कहा कि प्रभु मैं आपके पास शिष्य बनकर रहने के लिए आया। तो पहली परीक्षा शिव जी ने परशुराम के साथ ये ली, बोले मैं तेरे को तो शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ परशुराम, लेकिन ये बता तू बिना अस्त्र शस्त्र के कितने लोगों को जीत सकता है? अगर तेरे सामने कोई ऐसी समस्या आ गई कि जो गुरु चाहता है और तू नहीं चाहता, तो तू उसके लिए क्या करेगा? तो उसने कहा कि अगर मेरे चाह में मेरे गुरु का अगर लोक कल्याण है तो मैं मेरी इच्छा के साथ करूँगा, और मेरी इच्छा में लोक गुरु का कल्याण नहीं है और वो मेरे स्व कल्याण के लिए है तो मैं नहीं करूँगा, ऐसी आज्ञा मुझे दो। पहली परीक्षा शिवजी की, शिवजी के साथ क्या हुई कि एक दिन शिवजी कैलाश में बैठ गए, और परशुराम जी हर समय के भांति आए, अपने गुरु के पास डायरेक्ट चले जाते थे किसी को बिना पूछे, लेकिन शिवजी ने कहा था कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और गणेश जी आए थे तो गणेश जी को बोला किसी को अंदर नहीं बैठना, तो बाहर खड़े हो जा, मैं और माता पार्वती कुछ बात कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। आए तो सामने देखते क्या है, परशुराम जी आ रहे हैं, गणेश जी खड़े। गणेश जी ने कहा परशुराम जी को रुक जाओ। परशुराम जी को गुस्सा है, बोला कौन है आप? अरे आपको पता नहीं मैं गणेश जी का मानस पुत्र, मानस पुत्र अलग है, मैं शिष्य हूँ, मानस पुत्र से भी बढ़कर हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। गणेश जी बोले तो कुछ भी हो मुझे मेरे पिता की आज्ञा हो गई है, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मैं बोला उसी पिता की, तुम जिस पिता की बात कर रहे हो वो मेरे गुरु है और पिता भी है, उनकी मेरी आज्ञा है, तो कभी भी आ सकता है जा सकता है, मैं अंदर जा रहा हूँ। दोनों भी अपनी अपनी जगह अड़े थे, इनको अंदर जाना था और उनको अंदर नहीं आने देना था। यह शिव जी का खेल था कि अपने शिष्य की परीक्षा कैसे करे, अभी क्या कर सकता है, मेरे बेटे से लड़ेगा या बेटा है बल्कि छोड़ देगा, इसको तो देखना है। परशुराम जी के कहने पर युद्ध आरंभ हो गया गणेश जी का और परशुराम जी का। परशुराम जी बहुत बलिष्ठ थे, वो भी विष्णुवंश थे, इतनी जोर से युद्ध चला गया कि ब्रह्मांड हिलने लगा, सारे देवता भाग के आ गए, लेकिन शिव जी और पार्वती बातों में उनको पता नहीं चला कि बाहर युद्ध हो रहा है। बाद में ये काम कौन कर सकते हैं, सिर्फ नंदीश्वर जी कह सकते हैं। नंदीश्वर हरा के टपके करके भैरव गया, सब गया, इनके दोनों के सामने कोई जा नहीं रहे। नंदीश्वर ने जाके एक बार शिव जी के चरण में साष्टांग नमस्कार किया और घबराया हुआ था। शिव जी बोले क्या हो रहा है प्रभु, क्या बताएं, आपका शिष्य परशुराम और गणेश जी में दोनों में युद्ध चढ़ गया, ब्रह्मांड हिल रहा है, आप कुछ करो। तो शिव जी ने परीक्षा लेनी थी, तो बोले माँ पार्वती तू जाना, माए गए तो फिर अन्य श्री दोनों को भी समझाना पड़ता, तू जाके समझा दे उन दोनों को। माता पार्वती आई, युद्ध चल रहा था, तो माता पार्वती ने कहा हे परशुराम तू क्या कर रहा है पता है, वो मेरा बेटा है, तू उसके साथ युद्ध करेगा? उन्होंने कहा कि मेरे पिता के पास नहीं जाने के लिए देता है तो मैं युद्ध जरूर करूँगा। और माता के सामने उसने जब ये पता चला, परशुराम का प्रहार हुआ
तो गणेश जी का एक दांत टूट गया। उस दांत को टूटने से माता को गुस्सा आया और माता ने काली का रूप धारण कर दिया। बोले परशुराम आज तो तेरा अंत करके रहूंगी मैं, मेरे बेटे को मारता है तू। जब ये विधान वहां आते जाती शिव जी होकर आए, बोले परशुराम साष्टांग नमस्कार डालकर पहले काली को शांत करा, काली माता को शांत कर, नहीं तो तेरा तो खैर नहीं। उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया और माता का जब गुरु जी की आज्ञा हुई, अपन तो लड़ रहे थे, गणेश जी का दांत हाथ में था, वो लिया और माता को साष्टांग नमस्कार की। परशुराम ने उस समय दुर्गा का स्तुत्र करते हुए कहा, माँ मैं तो बेटा हूँ, हम बच्चे तो झगड़ते हैं, तू माँ हमारे को समझाने से लेकर एक बेटे को प्यार करती और एक बेटे को गाली देती हूँ, तुझे दोनों बेटों को एक ही तरह देखना है, मैं भी बेटा नहीं हूँ क्या? ये कहते साथी माता शांत हो गई। हम बेटे बेटे तो झगड़ते हैं, माँ दोनों को समझा कर शांत करती है या माँ एक बेटे पर गुस्सा करती है और एक बेटे को प्रेम करती है? ये तो पूरा ये तो ठीक नहीं हुआ, तुझे तो दोनों को एक ही तरफ देखना है। और परशुराम की इस उक्ति को देखकर जब माँ दुर्गा शांत हो गई और कहा, परशुराम तू बहुत होशियार है, माँ ये तो होशियारी तुम्हारे पतिदेव से और मेरे गुरु से आई होगी, अभी तो तुम शांत हो जाओ और मुझे कुछ करो। तब माता ने कहा कि इस दंत का क्या करने का, महा आज से वो एक दंत कहलाएंगे, गणेश जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा ये दंत तोड़ने के अंदर इसमें कोई ना कोई शिव जी का कोई कारण था होगा और ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं तो नहीं होता था, मैं इसके कुछ भी शिक्षा के लिए आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तो मुझे शिक्षा दे सकती है। वो माता पार्वती के पास खड़े हुए, तो माँ मैं मानने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे शिक्षा दे, मैं शिक्षा लेने के लिए तैयार हूँ, तो कुछ भी कर ले लेकिन एक बात मार पक्षपात न कर, दोनों पुत्र में तुझे समान है, आज शिक्षा दोनों किसकी गलती है उसे शिक्षा दे देना। दोनों सामने खड़े हो गए तो उसने कहा, परशुराम तेरे कारण गणेश जी को आज से एक दंत के नाम से वो प्रसिद्ध होंगे और उनका एक दंत दांत जो उनके हाथ में दिया है वो हथियार के रूप में काम करेगा। तो परशुराम ने कहा, माँ उनको तो हथियार दे दी सब काम हो गया, मेरा क्या, मेरे को हथियार कहाँ है, तो तेरे को हथियार किसने, तो ब्राह्मण है, तेरे को हथियार किस लिए चाहिए? तो उसने शिव जी की तरफ देखा और शिव जी ने कहा कि माता ने देखा अपने बेटे को फिर भी प्यार बताया और उनको हथियार दिया, मेरे को खाली हाथ भेज रही। शिव जी देखते रहे, शिव जी ने कहा समय आने पर वो भी तुझे भी हथियार देंगे, अभी समय नहीं है, तुझे आशीर्वाद देते हैं। कैलाश में आए, नमस्कार करके चले गए। जब नीचे आए शिव जी के ऊपर परशुराम जी बहुत, परशुराम जी शिव जी दोनों इतने प्रसन्नता के साथ रहते थे, बेटे से भी ज़्यादा प्यार दिया करते थे, माता दुर्गा भी। आज इसे संसार में परशुराम का दुर्गा स्तुत्र सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। जब नीचे उतर कर आए और जमदग्नि महामुनि के साथ देखे, तो जमदग्नि महामुनि भी कालदर्शी थे, उन्होंने वो युद्ध देखा और अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, बेटा तो बहुत महान होगा। इसके बाद कुछ दिन आए गए, बाद में बहुत सारे क्षत्रिय उस समय उन्नत हो गए थे, उन्नतों में से एक थे कार्तिवीर्यार्जुन। कार्तिवीर्यार्जुन अपने हजार हाथों से अच्छे अच्छे लोगों को बछाड़ के रखते थे, वाली रावण ये सब उनके समकालीन थे। एक बार रावण कार्तिवीर्यार्जुन अपने सहेलियों के साथ सभी के साथ स्नान करते कर रहे थे नर्मदा नदी में, और ये हर नदी के पास आके आचमन करके संध्या करते थे रावण। जैसे आए उन्होंने अपने हजार हाथों से नदी को रोक दिया और अपने सारी सहेलियों के साथ वो स्नान कर रहे थे। उतने में रावण को गुस्सा आया, बोले मैं रावण भी शिव भक्त था, उसने कहा अरे कौन रे पानी रोका, बोल के बोला कार्तिकेयन पहले ही आप कभी भी बात यह याद रख लो, मामूली दिनों में आदमी बहुत शांत रहता है और पत्नी बच्चों के साथ और भी शांत रहता है, लेकिन प्रेमिका के साथ हो तो कभी शांत नहीं रहता, उसको टोकेंगे। कार्तिकेयन को हुआ यही, उसको आया गुस्सा कि मैं यहाँ इसके साथ जल रहा था, ये सारा कौन है मेरे को आगे बोलता है। बोले तू कौन? मैं बोले मैं महारावण लंका का राजा। लंका का राजा हो कि बंका का राजा हो, चलिए रा बोले पकड़ लिए रावण को हजार हाथों में, रावण हिल नहीं रहे थे, ले जाके गए अपनी गौशाला में, घोड़े की शाले में डाल लिए, बोले यहाँ आके घोड़े पालन कर, नहीं तो क्या कुछ ऐसा ही वैसा बोला तो तेरी तो खैर नहीं। बोले उसके हजार हाथों में जब रावण पकड़े गए तो वो हिल भी नहीं रहे थे। रावण को लगा ये क्या हो गया, अब ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं, ऐसा कैसा होगा? तब उन्होंने गुहार लगाई रावण ने कि मैं किसी के हाथ में फंस गया, ये इसका गुरु कौन है कुछ पता नहीं चला, ये तो मुझे ऐसा बांध के रखा है, मुझे घोड़े हैं रथ चलाने के लिए सवा रसार्थी बना दिया है। तब उन्होंने प्रार्थना की अपने पितामह से पुलस्त्य से और कहा कि पितामह मुझे उससे छुड़ा दो, ये तो बहुत कठिन हो गया, इसने ये तो मुझे बांध दिया है। फिर पुलस्त्य ने कार्तिकेयन के गुरु दत्तात्रेय को कहा, यानी उस समय में फोन नहीं था, नहीं करे तो मोबाइल पर फोन ही करते थे, उसने कह दिया कि भाई मेरे रावण को तेरे मेरा पोता है उसको पकड़ के कार्तिकेयन ने रखा है, तू कुछ कर। दत्तात्रेय जी फोन कर दिए कार्तिकेयन, फोन का मतलब होता है बात करें, और बोले अरे तो रावण को बंद के रखा है उसको छोड़ दे। बोले रावण है कौन? पुलस्त्य का पोता है, बहुत बड़ा शिव भक्त है,
और तू उसके छोड़ना है। रावण को बुलाए, ये जो तू अभी दुम हिलाया था ना, याद रखना कभी भारत में इधर आया लंका छोड़ के मेरे रहते हुए तो तेरी खैर नहीं, अभी कभी इधर नहीं आने का, चल सीधा से छोड़ दे रहा हूँ। और रावण चले गए। कहते हैं कि फिर कार्तिक वज्रन जब तक रहे तब तक आए नहीं, भारत में घुसे ही नहीं। ऐसा कार्तिक वज्रन था, वो भी गुरु भक्त था, ये शिव भक्त था, लेकिन रावण ने कभी भी शिव को देवता के रूप में माना लेकिन गुरु नहीं माना था, इसलिए हार गया। और कार्तिक वज्रन दत्तात्रेय को गुरु मानता था इसलिए जीता। और ये गुरु की शक्ति होती है, जहाँ देवता भी श्रेष्ठता के साथ रहते हैं, गुरु के सामने देवता भी कुछ काम नहीं कर सकते। इसके बाद जब कार्तिक वज्रन अपने काम से घूम रहा था तो उन्हें पता चला, एक बार जमदग्नि महामुनि के आश्रम तक आए और उन्हें देखा कि जमदग्नि महामुनि तपस्या करके बैठे हैं। उनको लगता था कि मैं तो इन सभी को एक मिनट में हरा दे सकता हूँ। आश्रम में आए और उन्होंने कहा कि मुझे पानी चाहिए, पानी पीना है। तो उन्होंने पानी पीने के लिए बोला, पानी क्यों ना, खाना खा के जाओ। उनके पास भी कल्पवृक्ष नाम की सुरभि नाम की गाय थी, उस गाय को बुला के उन्होंने उनको सोने की थाली में सब खाना पीना सब खिलाया और कहा कि तुम, उन्हें कार्तिक वज्रन ने कहा ये इतना रहा है, इतना बड़ा महान है ये महामुनि, यहाँ मैं चक्रवर्ती राजा और इसके पास ये सुरभि लेके क्या करना है, मैं तुम्हारी सुरभि गाय को ले जाता हूँ। जमदग्नि ने कहा ये मेरी तपस्या का फल है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। बोले चक्रवर्ती राजा को सभी तरह अधिकार होता है, किसी को भी ले जा सकता है, किसी को भी छोड़ दे सकता है, मैं चक्रवर्ती यहाँ का मैं ले जाऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम नहीं ले जा सकते। तब माता रेणुका पीरियड्स के दिनों में थे और वो बाहर नहीं आ सकी, वो अंदर थी, तब चार पुत्र नहीं थे, जमदग्नि अकेले थे। उन्होंने सुरभि को खींचने गए लेकिन सुरभि नहीं आई और सुरभि वहाँ गिड़गिड़ाने लगी। तब जमदग्नि महामुनि ने कार्तिक वज्रन की तरफ एक तरफ एक आंखों से देखा, कार्तिक वज्रन को एकदम आग लग गई और भाग के चला गया। उसने कहा इस राजा को तो देख लेता हूँ। बोले जब सो जाएगा तब उस गाय को उठा के ले जाएंगे। लेकिन जमदग्नि महामुनि सोते नहीं थे, वो तपस्या कर बैठे गए। तो कहते हैं कि आजकल हमारे संसार में जब भी कुछ मृत सर्प हो या मृत कुछ भी चीज़ हो, तपस्या करते समय अगर डालते हैं तो तपस्या भंग हो जाती है, मृत व्यक्ति को ला के रखना। तो उन्होंने एक मृत सर्प को लाकर उनके गले में डाल दिया। डालते ही जमदग्नि महामुनि आ गए और उनकी तपस्या क्षीण हो गई। क्षीण होने के बाद वो कहने लगे कि इसने किया तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई राजा हो कोई महाराजा नहीं करना चाहिए। लेकिन तपस्या के दिन माता रेणुका ने जो कि पीरियड्स में थी, देखी कि जमदग्नि महामुनि की आंखों में आंसू आ रहे कि तपस्या मेरी भंग हो गई। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया, पुत्रों ने उनके पता था कि ये कोई होगा तो परशुराम ही इसका कोई जवाब होगा। परशुराम जी भागते हुए आए और देखते क्या है कि अपने पिता की आंखों से आंसू आ रहे। परशुराम ने कहा कि पिताजी ये किसने किया तुम्हें, इसके पीछे क्या है। बोले कोई राजा चक्रवर्ती था, बार बार चक्रवर्ती कह रहा था, मैंने उसका नाम नहीं पूछा। उन्होंने उस समय शपथ खाई और शिव जी के पास गए, कहा कि संसार में एक ऐसा हथियार मुझे दो आज तक किसी ने उपयोग नहीं किया होगा, न तलवार नहीं, न त्रिशूल नहीं, न डमरू नहीं, न चक्र नहीं, कुछ नहीं, ऐसा एक दो जिस हथियार का मालिक केवल मैं हूँगा और जब हथियार चलाऊँगा मेरे सामने कोई टिके नहीं, ऐसा मुझे आज हथियार चाहिए। जिस दिन तुम गणेश जी को देने की बात कह दी आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। शिव पार्वती के चरणों में लौट गए और हथियार मांग रहे थे, तब उन्होंने उनको परशु दे दिया और कहा कि तू जब तक तेरे हाथ में परशु है तुझे कोई नहीं जीत सकेगा। ये आशीर्वाद दिए जब वो आए और कहा शिव जी के सामने, कहा आज भगवान जी मैं आपकी आप ना ना कहे और मेरी बातों को गौर से सुने, इसके बाद उसका परिणाम जो भी होगा मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। पूरे पृथ्वी पर राजा लोग उन्मत्त हो गए हैं, उन्होंने मेरे पिता का तपस्या भंग की है और ऐसे सारे मुनियों सृष्टियों को उन्होंने तपस्या भंग करने वाले अहंकारी राजाओं का मैं खात्मा करूंगा और जब तक खात्मा करके नहीं आऊंगा मैं आपके सामने मुंह नहीं बताऊंगा, आप मुझे ना रोके। शिव जी कुछ कहे इससे पहले परशुराम जी चले गए, जमदग्नि के पास आए और पिताजी को कहा पिताजी आप इसी तरह सांप डालकर बैठे रहना, इस सांप उतारने के पहले मैं इस क्षत्रियों को यहाँ नहीं है ऐसा करके आऊंगा। जब तक जमदग्नि महामुनि कहे परशुराम जी चले गए। युद्ध हुआ, कार्तिक वज्रन कहते हैं कि 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का नाश करके आगे एक क्षत्रिय भी ना बचा। मारते हुए जब आए पिताजी के पास आने के बाद पिताजी देख रहा था तो तब तक कार्तिक वज्रन ने कहते हैं कि ये परशुराम कार्तिक वज्रन परशुराम जी जमदग्नि महामुनि के बेटे हैं और मैंने उनके गले में सांप डाला था, ये गलती की थी। वो सांप उतारने के लिए कार्तिक वज्रन आए और सांप उतारने गए लेकिन तब तक जमदग्नि महामुनि अपनी आंखें खुली तो नहीं पता है, अगर उनकी आंखें खुलते हैं तो ये मर जाएंगे। कार्तिक वज्रन ने उनके ऊपर अपनी तलवार चला दी।
जब उनका घर अलग हुआ और माता रेणुका का चौथा दिन था, आता अपने उनका सर जमदग्नि महामुनि का सर अपने गोदी में लेकर बैठ कर रोने लगी और परशुराम जी ने दृश्य जब देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने कार्तिकेयन को ललकार कर मारा। मारने के बाद जब आए तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आपने मरी हुई माता को तो जिंदा किया, अब बताओ अब इसका क्या करना है, अब तुम मेरे लिए जिंदा किस तरह हो सकते हो, मुझे क्या करना है। तब तो वो शरीर उनके हाथ में था, उसी समय तो बस जाओ, अगर 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको जिंदा नहीं करूंगा तो इसी परशु से मेरा सर काट लूंगा, मैं आपको 10 मिनट के अंदर वो विद्या का बोध मुझे करने के लिए अब से मैं प्रार्थना करता हूँ, जिससे मेरी माता का शरीर तुमने जोड़ा था, आज मैं वही शरीर तुम्हारा वही सर जोड़ना चाहता हूँ। और जैसी प्रार्थना हुई ऊपर से आकाशवाणी हुई और शिव ने कहा कि मैं तुझे वो विद्या देता हूँ, और उन्हें जो रसायन दिया उसके साथ जमदग्नि जी का शरीर धड़ के साथ जोड़ दिया और उनको जब दोनों को प्राण से देखा तो उन्होंने कहा अब बताओ मैं तो शांत हो गया, मेरे को मेरे जीवन का जो भी लक्ष्य था मैंने वो पूर्ण कर दिया, मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित क्या है, उसकी किस तरह भुगतना है मुझे बता दो। तब उन्होंने कहा प्रायश्चित के लिए मैं अधिकारी नहीं हूँ, तूने कार्तिकेयन एक गुरु भक्त को माना है तो इसके लिए शिवजी भी तुझे क्षमा नहीं करेंगे, ना पार्वती माता क्षमा करेगी, ना कोई नहीं, गुरु भक्त को मारने के कारण तू बहुत बड़ा पापी कहलाया गया है, अब तू उस गुरु के पास ही जा और उसके प्रायश्चित के बारे में बात कर। परशुराम जी दत्तात्रेय जी के पास गए जो कार्तिकेयन के गुरु थे और उन्हें साष्टांग नमस्कार करते हुए कहा मेरे से गलती हुई, इसका प्रायश्चित क्या है। तब उन्होंने कहा मेरा कार्तिकेयन भी मेरा शिष्य था, उसके वरदान के अनुसार तुमने उसको मारा, लेकिन ये बात कहता हूँ इस संसार में जब तक दत्तात्रेय जी का नाम रहेगा तब तक परशुराम तुम चिरंजीवी बनकर यहाँ इस भारत में हिंदू संस्कृति और धर्म और गुरुकुल परंपरा के बारे में बोलते हुए रहोगे, गुरुकुल परंपरा को अक्षुण्ण रखोगे और गुरु परंपरा को इसी तरह रखने की क्रिया करोगे, ऐसा मैं तुमसे वचन चाहता हूँ, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। उसके बाद परशुराम जी अपनी तपस्या के लिए चले गए और वो तब से भी चिरंजीवी है और आज तक आज भारत में अगर दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक जो प्रसिद्ध मंदिर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ है वो सारे के सारे परशुराम जी के स्थापित किए हुए हैं, ये बात किसी को भी रहस्य नहीं मालूम कि ये परशुराम जी के स्थापित किए हैं। लेकिन जब हरिश्चंद्र जी के वंश में प्रभुराम जी का जन्म हुआ और ये तपस्यारत थे, जनक महाराज को अपने धनुष के बाण को रखने के लिए परशुराम जी ने ये बाण तुम्हारे पास रखो ऐसा रख के चले गए थे और सीता उस बाण के साथ खेला करती थी और वो बाण स्वयं वन में जब राम ने तोड़ा, श्री रामचंद्र जी ने तोड़ा, तब उसकी आवाज़ सुनकर परशुराम जी को लगा कि मैं जनक महाराज के पास मेरा शिव धनुष रखा था और उसको तोड़ दिया गया, ये तोड़ने वाला कौन है, क्षत्रिय है। और परशुराम जी जब क्रोध के मारे आए तो जनक महाराज और दशरथ महाराज दोनों थर थर कांप रहे थे, जिसने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया मेरे नाम का क्या होगा, हमारे को एक मिनट में ख़त्म कर देगा ये। लेकिन जैसे आए वशिष्ठ विश्वामित्र दोनों ने उनकी प्रशंसा भरी, इसके साथ हाथ जोड़े और भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करके बोले कि पहले परशुराम जी को शांत करो।